भोपाल में एसएएफ के एक जवान ने शाहपुरा इलाके में अपनी मंगेतर के घर पहुंचकर विवाद किया और उसके भाई व मां को गोली मार दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान युवती के भाई ने दम तोड़ दिया है, जबकि मां की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। सनकी आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसएफ की 7वीं वाहिनी में पदस्थ जवान अजीत सिंह चौहान की सगाई पिछले साल भारत नगर के सब्जी फार्म में रहने वाली रिंकी धाकड़ से हुई थी। रिंकी एमपी नगर में स्थित एक निजी बैंक में काम करती है। आरोपी जवान अजीत सिंह शक्की और सनकी मिजाज का है और उसे रिंकी का अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ बातचीत करना या कहीं आना जाना पसंद नहीं था। मंगलवार रात अजीत सिंह अपने एसएलआर राइफल लेकर रिंकी के घर पहुंचा और इसी बात को लेकर विवाद करने लगा। रिंकी व उसके परिजनों ने अजीत के इस बर्ताव का विरोध किया और सगाई तोड़ने की बात कही। इस पर अजीत आपा खो बैठा और उसने पास खड़े रिंकी के भाई ऋतिक पर गोली चला दी, जो उसके पेट में आर पार हो गई। इसके बाद उसने पिंकी की मां पर भी फायरिंग कर दी। घटना ये है कि मेरी उससे सगाई हुई थी 21 अक्टूबर की, जिसमें वो मुझे बहुत प्रताड़ित करता था, हर चीज़ में पाबंदी लगाता था कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, नौकरी मत करो, दोस्तों से बात मत करो, ये मत करो, हर चीज़ में वो लगाता था। सगाई अभी 2 मई की मेरी सगाई थी, वो मुझे इतना परेशान करता था, इवन मुझे तो करता ही करता था, मेरी जो फीमेल दोस्त हैं उनको भी गंदे गंदे मैसेज करता था, उनको 2-2, 3-3 बजे तक की मैसेज करता था, उनको परेशान करता था, उनको धमकियां देता था कि अगर मेरी रिंकी से शादी नहीं हुई तो मैं तुम लोगों को जीने नहीं दूंगा। और फिर फाइनली आज उसे वो मुझसे बात करता था, मैंने बोला जी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपके कल उसके घर वाले आने वाले थे मेरे घर पर शादी तोड़ने के लिए, बट कल हुआ नहीं, वो आज ही 11:30 बजे के आसपास में मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसा और मेरे घर पे आके पहले मुझसे बोलता है कि आप मुझसे शादी करोगी नहीं करोगी, मैंने मना कर दिया मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तो बोलता है ये तुम्हारा फाइनल डिसीज़न है। हाँ, राइफल रखे हुए था पुलिस की वर्दी में, वो आया हुआ था मेरे घर पर और आके मेरे घर वालों को सबको धमकाता है, बोलता है मुझे तो आज ही डिसीज़न चाहिए, मुझे आज ही सब चीज़ें चाहिए। मैंने बोला आज कुछ नहीं होगा, आप अपने घर वालों को लेकर आओ तभी हम आगे बात करेंगे। वो आया बोलता है नहीं आप तो अभी मुझे बताओ, तो मैंने बोला अभी कुछ नहीं होगा आप जाओ, तो वो बोलता है मैं पूरे परिवार को ख़त्म करके जाऊंगा, ऐसा इतना बोला है और उसने मेरे छोटे वाले भाई पे गोली मार दी है और फिर मेरी मम्मी को गोली मार दी और उसके बाद में उसने पूरे सबको गोली मारने की। हाँ, शराब भी पिए हुए था वो, शायद एसएफ का जवान है, मुझे तो उसने ये बताया था कि वो PHQ में सिपाही है। मैंने गेट खोला, उसके पापा सो रहे थे, मैंने उनसे पूछा कौन है, कहला है पता नहीं, मैंने कही कौन है, वो कहला है मैं अजीत, मैंने कही मैंने गेट खोल लिया, वो अंदर आ गए और लगा मुझे रिंकी से बात करना है, तो मैंने कही लड़की सो रही है, बोले लगा नहीं मुझे इसी वक्त बात करना है, मैंने उससे मना किया भी, कहा भी मत बात करो सुबह कर लेना, ड्यूटी जाओ तुम ड्यूटी से आए हो तो सुबह आ जाना, सुबह तुम्हारे मम्मी पापा लेके या तुम ही आ जाना, सुबह बात कर लेना। कल नहीं मुझे उसके रूम में जाना, जो चला गया उस लड़की के रूम में, पीछे मैं भी चली गई, तो लड़की से बोलने लगा मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही हो, तो उसने बोला कि मैं नहीं कर रही हूँ, तो कही कि तुम जाओ कहीं सुबह बात करेंगे, कहीं कहीं नहीं अभी बात हुई जो कुछ बोलने, वो कह लगी लड़की कि नहीं सुबह बात करेंगे, गोली चला दें। इस घटना के बाद घर में चीख पुकार मच गई। रिंकी और उसके परिजनों ने किसी तरह अजीत को काबू में किया और उससे राइफल छीनते हुए उसे कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को खबर की, पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल मां बेटे को तुरंत अस्पताल भिजवाया और सनकी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगेतर जिनसे वो उनकी शादी फिक्स हुई थी एसएफ के जवान की, उससे परिवार से उसने जाकर के वहाँ पे झगड़ा किया है और झगड़ा करने के पश्चात जो है वहाँ पे अपने जो सर्विस वेपन है उसके साथ ले जाकर के वहाँ पे गोली चलाई, जिसके भाई की मृत्यु हो गई है, माँ को भी गोली लगी है और ख़तरे से बाहर है, उसको कब्जे में ले लिया गया है, सारी FIR दर्ज कर ली गई है
परिवार से लगातार हम संपर्क में हैं ताकि माँ जो हैं वो खतरे से बाहर हो जाएं, उनका इलाज अच्छी तरह से हो जाए। और इस जघन्य अपराध के लिए जो है हम लोगों ने टीम बनाई है ताकि उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर ले। इधर अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता के भाई रितेश की मृत्यु हो गई। शासकीय राइफल ले जाने पर डीआईजी ने तत्काल प्रभाव से आरोपी आरक्षक अजीत चौहान एवं गार्ड कमांडर चंद्रभूषण पराशर को निलंबित कर दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।